और इधर हमने सत्तू लिया है, हम सत्तू की कढ़ी बनाएंगे। हमें सबसे पहले दही को अच्छे से मिक्स करना है, ऐसे इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने ये 3 से 4 चम्मच सत्तू लिया है, इसको डाल देंगे इसमें। लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम ये सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। दही में डालने से क्या है, सारा मसाला हम दही में डाल देते हैं तो कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है, इसीलिए हमने सारा मसाला दही में डाल दिया है। हमें तड़के में मसाला कुछ भी नहीं डालना है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। अभी हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, गरम हो गया है। अब इसमें हम मेथी डालेंगे थोड़ा से, इसके बाद हम राई डाल देंगे थोड़ा से, इसको चटकने देंगे अच्छे से। अभी राई और मेथी चटक गई है, हम कढ़ी पत्ता डालेंगे। अभी कढ़ी पत्ता अच्छे से हो गया, अब इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे, थोड़ा खड़ा मसाला। अब इसमें हम हरी मिर्ची डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसको तड़के को खूब अच्छे से पकने देंगे जब तक ये कलर ना आ जाए। पका अच्छे से हो गया है। अब हमने जो ये दही में पेस्ट बनाया था इसको डाल देंगे इसमें, ऐसे सारा डाल देना है। अब इसमें जो थोड़ा से लगा है हम थोड़ा पानी डाल के इसमें डाल देंगे। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हम दही का ही बनाएंगे। अभी ये पकने से क्या है, पतली हो जाएगी और बहुत टेस्टी लगेगी। अभी कढ़ी पक गई है, इसमें हम बूंदी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बूंदी डालने के बाद हमें इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फिर पकाना है स्लो पे। अभी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।